हे गाइस, हम निकल रहे थे अपनी छोटी सी राइड पे और मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया। उसने कहा जो उसके पास R15 V3 है एंड जस्ट उसमें जब स्पीड हम बाइक को चलाते हैं तो स्पीड का मीटर उसके में शो नहीं कर रहा है। तो हम जाएंगे और बाइक को दिखाएंगे, थोड़ी सी उसमें आपकी प्रॉब्लम क्या आ गई है। बाय द वे हमारी बाइक यहाँ पे खड़ी है, चेक करो। ठीक है, हमारी वर्जन 4 यहाँ पे खड़ी है, तो आप सभी देख सकते हैं। एंड बाइक का लुक बताओ गाइस, लुक कैसा लग रहा है इस पर। मैंने इसमें कोई मॉडिफिकेशन अभी तक इसमें कराया नहीं है, बाद में धीरे धीरे हम मॉडिफिकेशन करेंगे इसमें। अगर पहले हम अपने बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, जस्ट न्यूट्रल। एंड सबसे पहले अपने बाइक को हम कोल्ड स्टार्ट करते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हो कोल्ड स्टार्ट का कोल्ड स्टार्ट जब आप करते हैं तब इसका न्यूट्रल न्यूट्रल हमेशा 2 के आसपास रहता है। जब ये वापस से अपनी मतलब कैजुअल फॉर्म में आ जाती है तब ये 2 के नीचे चला जाता है। ये ठीक है, बस फटाफट से चलते हैं अपने दोस्त के पास। तो वालो पहुंच चुके हैं रास्ते में और क्या बोले दोस्त लोग, ऐसा है ना जो घर से निकलते टाइम फ़ोन कर दिए थे जो भाई आ रहे हैं नीचे खड़ा होकर आना, लेकिन नहीं दे रहे हैं जो ऊपर है। आपके भी ग्रुप में ऐसा कोई फ्रेंड है तो उसको चैट करो, अच्छी अच्छी गालियाँ लिखो उसको। आधर तो ऐसा ऐसा चुटिया सब मिलते रहता है रास्ता में, मिलते रास्ता रास्ते में दाएं ना बाएं देखे सीधा पीछे। हाँ पप्पा का रोड है, अपने चल रहे हैं रास्ते पे। जब तक इंचा भाई लोग ठुके आए ना तब तक तो दिमाग सही जाने पे नहीं आता है। तो हम मार्केट एरिया में पहुंच चुके हैं और अपने फ्रेंड को फ़ोन करके पूछते हैं कहाँ पे बोला था आने के लिए, कौन से कंप्यूटर क्लास बोला था आने के लिए। तो वह आ गए हैं वर्जन 3 के एंड चेक करते हैं इसमें स्पीड मीटर, इसमें शो नहीं कर रहा है। ये क्या लगाया है? वही तो बोल रहा था 4 बजे का। ओ हजार लाइट इसमें हुआ है। हाँ बैठो ना। तो V3 में स्पीड नहीं शो कर रहा है। हाँ भाई सकते हैं स्पीड नहीं शो कर रहा है। तो भाई बाइक में स्पीड मतलब गाड़ी मौसम में चल रही है बट जो बोलते ना कि कितने स्पीड में बाइक चल रही है वो शो नहीं कर रहा है। वही उसमें चेक कराना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम क्या हो गया वो लगता है सेंसर वगैरह के पास रस्ट वगैरह चला गया इसके कारण। बाजो बैटरी का पिकअप काफ़ी अच्छा है, पीछे वाला इसका ABS काम नहीं कर रहा है, टायर स्लिप हो जा रही है बार बार। आई थिंक यहाँ पे बाजार जो उसका फिट हुआ है वहाँ पर शायद उसका फेज वगैरह पे का प्रॉब्लम लग रहा है। भाई पीछे का चक्का इसका कसम से बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा है, खतरनाक स्लिप कर रहा है पीछे का चक्का इसका। ABS ऑफ है, ABS सेंसर आई थिंक सीज वगैरह कुछ ना कुछ तो इसमें दोचा हुआ है। हिजार्ड लगाने के चक्कर में इसका कोई ना कोई फ्यूज पक्का उड़ा है। ABS का तो फ्यूज उड़ा ही रहा है, इसका तो मालूम चल ही रहा है।
चलो अंदर घुमाते हैं, अंदर जाना। अरे दिखाना है बस, दिखाना है बस, काम तो मालूम है नहीं होगा। स्पीड मीटर नहीं आ रहा है। यह ना स्पीड वाला, जब गाड़ी मोशन में रहता है ना तो जीरो का जीरो ही रहता है। हाँ जीरो ही रह रहा है, ये ऊपर उठ ही नहीं रहा है, वायर खराब हो गया। नया गाड़ी का वायर खराब हो गया, कुछ दिन पहले ही सर्विसिंग हुआ है इसका। खराब होने के रीजन थोड़े चाहिए, आप कैसे खराब हुआ नहीं हुआ, इसकी वजह से करना। हाँ खुला था गाड़ी का, गाड़ी खोल के लगाया हुआ नहीं है। हाँ ऐसा ये सब रहा था ना, करवाया गया था बाद से हुआ है, हो गया ठीक जो सब रहा था। हाँ वो तो उस दिन तो दूसरा कोई लेके आएगा। हाँ वही तो हुआ नहीं है, ये सब ही रहा है, चार सौ वैसे नहीं करा है लेकिन स्टेट तेरा क्या इसका स्टेट तेरा है ना, गाड़ी गिरा था क्या, गाड़ी गिरा भी था, गाड़ी कहाँ गिरा था, ये तो वो जो भी गिरा था वो इस साइड से गिरा था, तो मैं इस साइड से गिरा। हाँ तो वो तो बता ही दिया, लेकिन तो स्पीड मीटर में तो इससे कोई लोचा नहीं आना चाहिए ना, गाड़ी तो बहुत गिरता है तो स्पीड का थोड़ी कोई लोचा रहता है, चेंज करना पड़ेगा, वायर चेंज होगा मीटर बता दें, कंफर्म है जो वायर ही खराब हुआ होगा। 1400 1500 1400 1500। हाँ भाई चेंज करना भैया, मीटर नहीं चाहिए, कोई बात नहीं है, मीटर कहते हैं ये वाला मीटर है ना, ये चल नहीं रहा, कोई बात नहीं, स्पीडोमीटर सेंसर खराब होगा भाई, हम बोले कब से नहीं चल रहा भाई। हाँ सर्विसिंग करा उसका, तीन सर्विसिंग करवाया, कितना दिन हो गया आई थिंक, तो भाई गाड़ी से छूट गया जो है, तो उसका जॉब कार्ड जो है वो ओपन है गाड़ी का, और क्या बोलते हैं किसी का ई डी एस वर्क नहीं कर रहा है तो आगे का वो भी वर्क नहीं करेगा। आई थिंक स्पीड मीटर में प्रॉब्लम या फिर सेंसर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसमें बोल रहे हैं वो जो सेंसर वायर चेंज होगा, अब जाके शो करें मतलब दिखाना पड़ेगा वहाँ पर। तो भाई बंदे से भैया से शोरूम के जो दोस्त हैं उनसे बात हो गई है, उन्होंने कहा जो बाइक इसका ओपन हुआ था और जॉब कार्ड भी इसका खुदाई हुआ है, ऑनलाइन भी शो करेगा इसका चलान वगैरह सारा चीज़, और पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इसका पीछे वाला एजीएस वर्क नहीं कर रहा है तो सेंसर ऑटोमेटिक स्पीड मीटर तो वर्क करेगा ही नहीं, और स्पीड मीटर जो है वो कम से कम इसका वायर अगर चेंज होता है वो 1400-1500 रुपये का इसका वायर आएगा, तो अब भाई आई थिंक पूछना पड़ेगा वो डिपेंड क्या करता है, या तो अब वो अगला दूसरा शोरूम जाएगा बंदा, या तो ये शोरूम तब आएगा नहीं वो। वर्क जो बोलते हैं ना दरभंगा में, कहाँ जाना है, बोले थे इधर लेंगे, उधर क्या करेगा, इधर से वहाँ पे चल जाएगा, काला इधर है ना पिकअप चल रहे हैं, तो बोलते ना दरभंगा का, दरभंगा में दो यामा का एयरपोर्ट है, यहाँ पे एक अभिगाम में गया वहाँ है और एक वो अपनी की तरफ जाते हैं वहाँ पे एक है,
डू है, लेकिन जो बेस्ट बोलते हैं ना बेस्ट सर्विसिंग, वो आपको मिलेनियम में ही देखने को मिलेगा। ये गाड़ी का हर एक पार्ट पूजा सारा चीज सही से मतलब चेक करके ही गाड़ी हैंड ओवर करता है। एक ही प्रॉब्लम आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ जो आप अगर यामा का बाइक आप कहीं से भी खरीदते हो और अगर आप दरभंगा में हो तो मिलेनियम ही जाओ, वहाँ पे बेस्ट बाइक सर्विसिंग होती है। चाहे आप फ्री वाली कराओ या पेड वाली कराओ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें।